कॉज पर जो एसिड विक्टिम्स है उनको सहारा देने के लिए आज हम लोग आए हैं कि हमारी आवाज लोगों तक पहुंचे और जिन लोग ये विक्टिम्स हैं उनको हम सहारा दे पाए। और खास करके महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है कि उनकी कोई दोष नहीं होती है लेकिन उनको इसका शिकार होना पड़ता है। तो उनको हम सहायता देंगे, साहस जुटाएंगे इस फाउंडेशन के जरिए, और इस फाउंडेशन में लोग आर्थिक अगर सहयोग करें, किसी का अगर ऐसी दिखता है कितनी ऑपरेशन होती है उसके ऊपर, कितनी सर्जरी होती है, कितना पैसा लगता है, तो हम उनके जीवन को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, वही रुकने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग आर्थिक मदद कीजिए इस फाउंडेशन को, जिससे कि जो इस एसिड के विक्टिम्स हैं उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, उनको अपने पैर पे खड़ा कर सके। आप लोगों से ये निवेदन है। और आप जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं उनको भी हमारी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप बनारस से आती हैं, आप महाशिवरात्रि का पर्व है, महादेव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नमः पार्वती पते। काशी विश्वनाथ शंभो हर हर गंगे। हमारे दीदी ने जो कहा उसको जरा सा आप सब ध्यान दीजिए और इस विक्टिम को मदद करिए, हेल्प करिए इस फाउंडेशन को। यही अपील हम भी करेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है और कोई पार्टी नहीं है, एक विक्टिम है। और विक्टिम ने कहे थे कुछ घटनाएं घटी हैं, तो हम सामाजिक लोगों का दायित्व तो बनता है मदद करना। देखिए हमारा धर्म क्या है, इंसानियत। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत ही नीक कॉल है, मुझे लगता है कि एसिड विक्टिम होने नहीं चाहिए। इट इज वर्स देन रेप, वर्स देन मर्डर। आई थिंक जो भी आदमी ऐसा घिनौना पाप करता है उसको जिंदगी भर जेल में छोड़ना चाहिए, मे बी फांसी भी लगनी चाहिए उसे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले। बहुत ही घिनौना ये अपराध है, उसकी सजा बहुत खतरनाक हो, ताकि ये कभी वापस रिपीट ना हो। अभी भी होता है, बहुत कुछ होता है जब पेपर में पड़े। और ये जो कॉज है, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा घर बन जाए, सरकार से थोड़ी सी लैंड मिले, के पास हमें आने मिले होते, और वो एक ब्यूटिफुल घर बन जाए ताकि सब लोग आपस में रह सके। कुछ अच्छा, ये सब बहुत टैलेंटेड है, आज अपना टैलेंट दिखाने वाले हैं, सब में टैलेंट होता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जब किसी मर्द को ये शादी के लिए इनकार करती हैं या ऐसा कुछ होता है तब वो एसेट फेंकते हैं, या ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, डाइवोर्स के लिए लड़ाई चल रही होती है, तब एसेट फेंकते हैं। तो यू हैव टू सी डज नॉट हैपन। ऐसे बिकना तो रोक नहीं सकता इंसान, लेकिन जो आदमी ऐसे कोई औरत को फेंकता है या किसी जानवर पे फेंकता है, उसकी सजा इतनी कड़ी हो तो वो 10 बार सोचे कि भाई ये नहीं करूंगा, कान पकड़। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी यहाँ पे कटा हुए हैं, अभी जो उनके साथ हो गया वो हो गया, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते, बट आगे हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हमें ट्राई करने चाहिए। हमें हम जो भी कोशिश कर सकते हैं उनके लिए, जिस तरीके से कोशिश कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, ताकि वो जिस घर के लिए वो आज हमारे पास आए हैं, हम सब उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो घर वो जगह उन्हें मिले, ट्रीटमेंट उन्हें प्रॉपर मिले, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो सब उन्हें मिले। तो ये जितनी भी हम यहाँ पे हैं ये हमारी सबकी कोशिश है, आप लोगों ने हमारी हेल्प की है, तो मैं आशा करती हूँ कि ज़रूरी उनको ये सारी चीज़ें जो चाह रहे हैं उनको हमारे ज़रिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए वो ज़रूर मिले। एक्चुअली सबसे पहले महिला दिवस के लिए बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, और देश के तमाम महिलाओं को बहुत बहुत हमको अग्रणी बधाई और साथ में बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज जो रखा गया है ना, उसके उपलक्ष्य में ये हो सकता है कि जितने भी कानून या जितने भी कठोर दंड आप चाहे तो करें, अप्लाई करें, सरकार से करें, लेकिन सबसे बड़ी है कि हमारी काउंसलिंग, यानी हमें मानसिकता बदलनी होगी, और मानसिकता एक एक करके हर कोई लोग बदल सकते हैं।
सरकार से कुछ नहीं कर सकती, सरकार का दायित्व है। हमारा है कि तमाम लोगों का ना कहीं कहीं काउंसलिंग हो, जिसके जरिए लोग मानसिकता चेंज हो, जिससे मानसिकता चेंज होने से क्या होगा, समाज में पॉजिटिविटी आएगी और इस तरह के जघन्य अपराध, अपराध का इसकी कोई सीमा नहीं है, ये करने के लिए दोबारा कब सोचे नहीं। तो मैं आज भोले बाबा से विशेष उनसे अनुग्रह करूँ कि सबको सदबुद्धि दे और समाज में सबको प्यार से रहने की सदबुद्धि दे। मैम सास फाउंडेशन के आप फाउंड ट्रस्टी हैं, क्या कहना चाहेंगे संस्था को लेकर, संस्था किस तरह काम करती है, फाउंड ट्रस्टी आप बताइए, आपसे सुनना चाहते हैं क्यों हुआ था ये। मेरी सगी सिस्टर ने उनके हस्बैंड ने किया था और उनके हस्बैंड चाहते थे कि उसके साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मैं डिवोर्सी थी और चार बच्चों की मम्मी थी, लेकिन मुझे शादी नहीं करना था क्योंकि मेरी 13 साल में ही शादी हो गई थी और 19 साल की उम्र में 4 बच्चे हो गए थे। तो मुझे लाइफ में कुछ करना था और ये आज जैसे हस्बैंड का थप्पा नहीं लगवाना था, और एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझ पर, मेरी 2 बहनों पे और एक छोटी बच्ची थी मेरी बहन की, 1 साल 4 लोगों पर अटैक हुआ था ये 2010 में। और मैंने बहुत ही मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही बुरा ट्रीट होता है, बॉडी में विनीगर डाल डाल के ऐसे घिसते थे बदन को, इसीलिए एक दिन मैं रात के 2 बजे मेरी सिस्टर जो वो खुद एक विक्टिम थी, इनको मैंने बोला कि मैं यहाँ पे तड़प के मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ, जब मरना ही तो मैं अपने घर पर मरूँगी, हॉस्पिटल में क्यों मरूँगा। तो उन्होंने खुद 3 चेयर पर डाल के मुझे घर पर लेके गए, 6 महीना बेड पर चल नहीं पाती थी मैं, 65 किलो मेरा वेट था और 30 किलो पे मैं पूरा वेट मेरा ये हो गया था। और बहुत लोगों से मैंने हेल्प मांगा संस्था से कि ऐसे विक्टिम के लिए बहुत लोग हेल्प करते हैं सर्जरी, क्योंकि बिफोर ऐसे लगता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन मेरा चेहरा इतना डिसफिगर था तो मुझे कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कितने लोगों के पास मेट का जॉब मांगी कि मुझे एटलीस्ट मेट का जॉब दे दो, लेकिन वो चेहरे से मेरे डरते थे और जोर से मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते थे। बहुत ही मुझे फील होता था कि जो हाथ मेकअप के लिए उठते थे आज वो खाना पता नहीं है मेट के लिए भी उठने के लिए तैयार नहीं, और ये सोसाइटी बस झूठी सिंपथी देती है बट सपोर्ट कोई नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने उसी रोज़ कसम खाया था कि मैं किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाऊँगी। ठीक है मेरा चेहरा डिसफिगर्ड हुआ लेकिन मेरी सांस नहीं मरी है, इसीलिए मैंने कुछ सर्वाइवर्स को लेके 2016 में ये फाउंडेशन फॉर्म किया। हमारे घर की 4 विक्टिम से ये हमारी स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन आज अराउंड 500 के लिए मैं काम करती हूँ। और मुझे मैं और विक्टिम के लिए एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि ऐसे अटैक होता है तो आप घर पे मत बैठिए, क्योंकि जो भी एक्यूज है वो चाहते हैं कि औरत कमज़ोर होकर कोना पकड़ के बैठ जाए, लेकिन उनको हमको दिखाना है कि हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर उड़ान है, कोई ऐसे कोई रेप हमको कोई कमज़ोर नहीं बना सकता है, और एक औरत तो कभी कमज़ोर नहीं होती है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन और सर्जरीज के लिए काम करता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मंथली राशन के लिए मदद करता है, उनको एम्पावर बनाना बहुत ज़रूरत है, हम लोग उनको ट्रोमा से निकालते हैं, प्लस उनको प्लान ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अभी आज ये मोटिव हमारा है ये इवेंट का एक क्राउड फंडिंग, हमको शेल्टर होम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चेहरे इतने ख़राब है कोई घर नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो डरते हैं कि उनके ऊपर कभी अटैक ना हो जाए, और सामने उनके साथ हम खेले बड़े हुए वो खुद बोलते हैं कि इतने डरावने चेहरे हम नहीं देखना चाहते, बहुत बुरा लगता है हमको यहाँ पे, दिल पर बहुत ज़्यादा ये होता है। और आप कवर करके घूमो, आप खुलेआम मत घूमो, जिसने ये एसिड डाला है उसके लिए अलग लॉ है, हमारे लिए अलग लॉ है, क्या हम क्यों कवर करें, जिसने एसिड डाला वो कवर करके चले, हमको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और सोच जो लोगों को हमको देखना पसंद नहीं है ना, तो वो अपनी सोच बदले, हम अपनी सोच कभी नहीं बदलेंगे। बस एक छोटी सी ये अपील है कि प्लीज़ हमको शेल्टर रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने 500 लोगों के लिए कहानी शुरू किया, मैं पूरे इंडिया के लिए करना चाहती हूँ और कुछ एक मिसाल बनाना चाहती हूँ, अगर आप लोग का सबका साथ रहेगा तो ज़रूर हम कर पाएंगे। थैंक यू मैडम। आपके कहना चाहिए किस तरह से संस्था आपके साथ में किस तरह से जुड़ी है और ऐसी। I am one of the co-founder members of this NGO Acid Survivor Sahas Foundation.
और जब दौलत अली खान पे जब एसिड अटैक हुआ था, मी एंड माई हस्बैंड वर द फर्स्ट पीपल टू रीच आउट टू हर इन द हॉस्पिटल. तो हम उससे पहले से जुड़े हैं, इट्स नॉट दैट एसिड अटैक से, बहुत बरस पहले से हम उनसे जुड़े थे. तो वैसे आफ्टर एसिड अटैक हम साथ ही हैं. और फिर 2016 में जब हमने संस्था फॉर्म की थी तो तब से हम साथ ही काम करते हैं दौलत अली खान के. जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं अपील करना चाहती हूँ कि लोगों को घर मिले और सभी आगे बढ़ो. हमारी बहनों ने इतना अच्छा बोला है, उनकी फीलिंग है, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती. बिंदु जी ने बहुत अच्छी तरह बोला है. और सबसे अच्छा है एक बात है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भी एम्पावरमेंट पर्सन का जो बहुत कुछ कर रहे हैं. आप जो भी इन्होंने कहा ना उसके हिसाब से दुनिया चलेगी. बहनों का बहुत अच्छा. राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो साहस संस्था के साहस के लिए एक तालियां होना चाहिए. और मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए. तो ये मिसाल है हमारे आने वाले लोगों के लिए. और हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ इनकी कहानियाँ पढ़कर प्रेरणा लें और आने वाले समय के लिए अपने आप को सुधारें कि जहाँ पे गलतियाँ ना हों. देखिए, माँ पहली टीचर होती है. मैं हर माँ के लिए कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में ये हिंसा की न्यू न डाले. ये बच्चा कहाँ से ऐसा हिंसा प्रबल होता है कि शुरुआत में अगर उनको अच्छे संस्कार मिले तो ये दिन देखना ना पड़ेगा. जो एक हर औरत माँ दुर्गा के प्रतिनिधि होती है, जब आप माँ की पूजा कर सकते हैं तो क्यों इस माँ के ऊपर अन्याय कर सकते हैं? ये हर माँ बचपन से ये संस्कार डाले हर बेटे को, तो ये दिन देखना ना पड़ेगा. सही बात है. जैसे 18 सर्जरी के बाद मैं खड़ी हूँ आप लोग के सामने, मुझे पता नहीं. और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी जो हमारे गेस्ट के लिए सबसे पहले. महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम रखा है, आज तक चीफ गेस्ट क्या कहना चाहेंगे किसी लोगों को? बहुत सुंदर आयोजन किया और विशेषकर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. और कहते हैं ना कि हम महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन सही मायनों में एम्पावरमेंट कब होता है? जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, उसके तकलीफ में काम आती है, तो वही सही मायनों में एम्पावरमेंट है. हमें उसे आगे बढ़ाना है. आज देखिए, हम आज अर्बन एरिया में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में आज भी महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है. आज भी वहाँ बेटी होगी तो ना तो ढोल बजेंगे, ना थाली बजेगी, ना मिठाइयाँ बांटी जाएंगी. लड़का होगा तो वो सब कुछ होगा. तो इस तरह के और किसी भी महिला के ऊपर तेजाब फेंकना, ये तो वहाँ जुर्म है. और जिस तरह से इन महिलाओं के साथ ये सब हादसे हुए हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है ना कि घर वाले भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं. कोई बाहरी खूबसूरती बहुत मायने नहीं रखती है. मेरा कहना है कि जो अंदरूनी खूबसूरती है वो हमें देखनी चाहिए. तो इस तरह से ये सास फाउंडेशन जो काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि डाल पर बैठा पक्षी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि उसे डाल पर ही अपने परों पर भरोसा होता है. उसी तरह से दौलत खान जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, जो इस तरह से इनके साथ जुड़े हैं और आज का एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, तो मैं उनको बहुत नमन करती हूँ. ऐसे कार्यक्रम होते जाने चाहिए. इसके साथ साथ हम दिव्यांग लोगों को भी आगे ला रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है. तो हम खुशनसीब हैं कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है. तो ज़रूरत है कि आज हम समाज का ऋण चुकाएं और तो ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल हों. उनके लिए जो हमसे मदद बन पड़े वो हमें करनी चाहिए. एक तरह से कहते हैं ना कि किसी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत बड़ी काम होती है. और अपने जीवन में अगर हम एक भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाएँ तो हमारा जीवन सफल है. उस रात हमें कितनी चैन की नींद आती है. और दुनिया में अगर हम सब सोच लें कि हम एक एक चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो वही बात होगी कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो. अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो. एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है. एक दीप की कनक मणिका तम पर विजय मनाती है. जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए. और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें ना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए. अंधकार का नामो निशान मिट जाए. तो आइए हम सब मिलकर
आप भी इसमें शामिल हैं। ये ऐसे ही छोटी सी कोशिश करते हैं कि किसी जरूरतमंद के हम काम आए, किसी उदास चेहरे को हम मुस्कुराहट से भर दें। मैं इत्र से मैं को ये आर्ट हो रही है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से कुछ हुआ है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आप मुंबई और राजस्थान की महिलाओं की आइडियल हैं, तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप पूरे परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन अपने आप भी जीना शुरू करिए, अपने लिए, अपने आप की फेवरेट बने, अपनी स्पीड दबदबाएँ जब आप अच्छा काम करती हैं, अपना मनपसंद भोजन बनाकर करें, अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जाएं, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हमारा भी ये हक बनता है कि जो हम पसंद करें वो हम करें। तो मैं महिलाओं से तो हमेशा कहती हूँ कि कोई हमें गिफ्ट दे या ना दे, हम स्वयं अमेजोन पर जाएं, अपने लिए गिफ्ट पसंद करें और दूसरे दिन वो गिफ्ट हमारे पास आए और हम उसमें खुशी ढूंढें, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो हम लोगों में खुशियाँ नहीं बांट सकते, परिवार को भी खुश नहीं रख सकते। इसलिए एक महिला का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर पुरुष वर्ग से ये कहना चाहती हूँ और बचपन से महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से घर में बेटे बेटी का फर्क ना करें और बेटे को ये सिखाएं कि एक महिला का सम्मान किस तरह से करना चाहिए, ये आज बहुत जरूरी है। मैं एक करना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पे ऐसी महिलाएं हैं उनके लिए घर प्रदान की गई, तो अब उनका कैसे घर, अभी ये लोग प्रधानमंत्री आवास में ये लोग उन्होंने चिट्ठी भी डाली और कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी ये आवाज़ भी उन तक पहुँचेगी और वो जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर तबके के लिए किया है, हर जगह काम किया है और उनका भी यही मानना है कि हमारी आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी हमारा देश का पूर्ण विकास होगा। ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत सुंदर इवेंट रखा है, उमेश देखे क्या करना चाहेंगे? देखिए मतलब ऐसे इवेंट मतलब ढेर मतलब होते हैं और ये जो साहस जो नाम है उन्होंने ये साहस किया है तो डेफिनेट मेरी दिल से मतलब बहुत बड़ी शुभेच्छा है कि जिस तरह से ही काम करना चाह रहे हैं तो जो काम हो रहा है और तो जिनके लिए हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है, अनुवाद ऐसे लोगों का सहारा देना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना और उनके काम की कदर भी होना बहुत बड़ी बात है। मेरी ओर से साहस वालों को 100% ऐसे साहस करते रहे और सक्सेस मिलती रहे ऐसी शुभेच्छा। महिला दिवस भी क्या कहना चाहिए? महिला दिवस के दिन उन्होंने ये रखा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि महिलाओं के लिए मतलब आज के टाइम पे बहुत ही कम ऐसे फंक्शन होते हैं महिलाओं को मतलब सपोर्ट मिले या महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़े, तो महिला दिन के लिए ही ये किया हुआ है उसी दिन, तो बहुत अच्छी बात है। साहस फाउंडेशन ने ऐसी पीड़ित महिलाओं द्वारा एक वुमेंस डे है बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, इस इवेंट के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ही शुभ दिवस है, एक तो वुमेंस डे है, ऊपर से महाशिवरात्रि है, पहले देवी और देवताओं का दोनों का दिन है आज, ऐसे मुबारक मौके पर ऐसे शुभ दिन पर ऐसे सर्वाइवर्स के लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है उन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जिन्होंने ये सपने झंडे रवान न करें किसी के साथ ये हो, लेकिन हमारी संस्था के द्वारा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर झंडे में काम हो रहा है बहुत अच्छा। सर इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो बिना मीडिया कवरेज और बेस्ट फोटोग्राफी के बिना कार्यक्रम अधूरा रहता है, तो आपके साथ में सर मुंडे साहब हमारे बॉलीवुड के टीम PR फोटोग्राफर हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मुंडे साहब के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शरीफ हो या गुंडे शरीफ हो या गुंडे सबके फेवरेट है रमाकांत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुंडे साहब क्या कहना चाहेंगे इसी इवेंट को लेकर? आप मैं ये कहना चाहूँगा दौलत खान जो है प्रेसिडेंट है सरदार साहब से काम करो, मैं भी मुझे एक अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करना क्योंकि पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज है और आज महिला दिन के दिन मैं उनको शुभकामनाएं। सर आपसे कुछ सवाल, महाशिवरात्रि और महिला उमेश क्या कहना चाहेंगे? स्वयं शिव जी जो है वो पार्वती जी के मैं कह सकता हूँ कि मैं कहानी में पढ़ा है, पार्वती जी जो है उनको हुक्म चला के यही है देवी देवता और
सामान्य पुरुष महिला का वर्चस्व हमेशा से रहा है और ये होना ही चाहिए क्योंकि उनके पास में अगर पावर होगा तो अपना घर अपना परिवार संभाल सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नारी शक्ति जिंदाबाद और पुरुष के साथ में है। नारी के साथ जो शक्ति है वो पुरुष मैं समझता हूँ कि थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिसमें महिलाओं को स्पेशल महिलाओं को एक विशिष्ट अवार्ड से नवाजा जाता है ताकि हिम्मत सरकार और समाज में वो एक प्रेरणादायक काम करते हैं। थैंक यू सर, हरव महादेव। नमस्कार, हरव महादेव, लव यू ऑल। मौसम जी और साहस फाउंडेशन और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों का जिन्होंने इसमें हाथ बटाया है। ये उनसे रिक्वेस्ट होगा, हाथ बताते रहिए, हेल्प करते रहिए क्योंकि इनके साथ हमको भी खुशी मिलती है और ये हमारा मन खुश नसीबी कि हम भी एक इस पार्ट में आ सके। आज अवार्ड दिया है, धन्यवाद देना चाहते हैं। इंडिया अवार्ड एक्चुअली जाता है ये सब एसिड सर्वाइवर्स ऑर्गेनाइज जितना भी काम कर रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। मुबारकबाद, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वी आर विद यू। देखिए आज बहुत इम्पोर्टेंट डे भी है, खुशी का दिन है, इंडियन वुमेन्स डे। जैसे कहते हैं माँ से बढ़ के कोई भी नहीं है, वैसे हम कहते हैं कि लेडी मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होते तो हम नहीं होते, इसलिए आज ऑन दिस वुमेन डे आई लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द वंडरफुल वुमेन, द मदर, द वाइफ, द सिस्टर, एवरीबडी। आई वांट टू से कंग्रेचुलेशन और महाशिवरात्रि है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आपको आशीष मिले प्रभु से और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। जोर से बोलूं बैठिए। मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था दौलत जी की तरफ से कि विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी ताकि लोग उनको देखें और उनसे लोग और इंस्पायर हो जाए और मोटिवेट हो जाए इनके लिए, इसके लिए उनको लोगों के सामने प्रेजेंट करके उनके अंदर के कॉन्फिडेंस जगाने का जो इन्होंने हिंदी नहीं आता, तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है हर किसी ने एंजॉय किया। मैंने खुद अपना वॉक मिस किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं जा पाई स्टेज पे, बट ये बहुत मजा आया देख के पूरा शो और प्लस जो सर्वाइवर्स का रैंप वॉक था वो नेक्स्ट लेवल था। तो मुझे लगता है कि जैसे सर्वाइवर्स को लोग ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते उनकी फेस के वजह से, तो अगर सेलिब्रिटीज लोग आके अगर सपोर्ट दिखाते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं तो लोगों तक ये बातें ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचती है और फिर वो भी सोचते हैं कि वो उनको एक्सेप्टेंस दिखा सकते तो हम क्यों नहीं, और ऐसे अवेयरनेस फिर बढ़ता जाता है क्योंकि सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है लोगों पे। तो थैंक यू सेलिब्रिटीज को जो भी आए और उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का सोचा, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि उनका सपोर्ट जुड़ा हुआ है दौलत के साथ और साहस फाउंडेशन के साथ। लाइक मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो जो ये शो को जुड़े हैं और इसको सक्सेस बनाए हैं एंड ऑल द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड और इसको सक्सेस बनाए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली रोजलीन मैम जिनकी वजह से आज बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है ये शो।
मैं काफी खुश हूँ और हमने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत शॉर्ट टाइम पे 4 से 5-6 दिन में हमने इतनी मेहनत की है, बट उस मेहनत का परिणाम भी बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छा शो हुआ है, सब बहुत खुश थे और जितने भी लोग आए थे जो इतने हमें लाइक नो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, कितने लोगों ने हमें लाइक नो हमारा साथ दिया और वो आए यहाँ पे अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए रियली सबको थैंक बोलती हूँ, आप लोगों को थैंक बोलती हूँ, सीरियसली आपको दीदी आपको थैंक बोलती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अपने जो आप लोग कर रहे हैं ये आजकल किसी से एक्सपेक्ट करना वेरी डिफिकल्ट, कोई नहीं करता किसी के लिए, बट आपने जैसा किया जीत भाई सीरियसली जी सर बहुत बड़ी बात है कि आप मीडिया लेके आए, दौलत जी निकेत जी आप लोग जो काम कर रहे हैं ये सब रियली ये लाइक नो आज के जमाने में कोई नहीं करता, बट आपने किया और ये शो बहुत अच्छा हुआ, आप सबका सपोर्ट था सारे लोगों का, ये हम सिर्फ मैं तय दिल से थैंक बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद सब कुछ मैटर करता है, जेंडर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत अरे रुको यार जवाब क्या करना चाहिए, आज यहाँ जो एयरपोर्ट हमने किया है हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो गया, रोजदीन मैम ने हमको इतने सुंदर सुंदर ड्रेस में आज रेडी किया है, मैंने पहली बार ऐसे फिर से ना बहुत अच्छा लग रहा है, जो लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए जो एक्टर्स आए उन्होंने हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है और मेरी कम्युनिटी बहुत खुश है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, काफ़ी टाइम के बाद लोग हमें स्टेज पर देख रहे हैं और हम चाहते हैं उससे भी आगे वाले स्टेज पे जाए, जैसे आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया ऐसे हमेशा सपोर्ट करें, जो मेकअप मैम है बहुत अच्छा मेकअप बहुत अच्छा हेयर स्टाइल हुआ सच में हम बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच मैम, आप तरह तरह से लोगों को बहुत कम मौका मिलता है, रोजन जी आप हमारे साथ है, कि आपको चाह रहा है कि लोगों को मौका देना चाहिए, हमारी मेरे हिसाब से तो हमें सबसे मौका देना चाहिए और इनको भी पूरा राइट है कि ये जितना इन्होंने आज किया है लोग उन्हें भी चाह से और उन्हें भी बुलाए, नॉट लाइक नो जो हमने साहस प्रोडक्शन के लिए साहस के लिए किया है, नॉर्मल से जो लोग बैक्टू अप्रोच करें तो उन्हें अप्रोच करें, क्यों नहीं ये इनको अप्रोच कर सकते हैं, क्यों नहीं ये हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं ये नॉर्मल मॉडल के साथ वॉक कर सकते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं चेंज करना है, इनको भी वो हक देना है, उनको भी वो खुशी देना है, तो चीज़ें जो इनके लिए भी है हमें वो करना चाहिए, ताकि वो हमें खुश रखिए कि आप इनके लिए भी आगे बढ़ने कुछ ना कुछ करें, बस ये कहाँ जाएंगे, अगर हम देखें तो बाकी सारी चीज़ों के हैं वुमेन है गाइड है रेंज है सबके लिए है, व्हाट अबाउट दैट इनके लिए क्या है, तो हमें सबसे इनको लाइक नो हेल्प करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको जो कुछ भी हम कर सकते हैं इनके लिए करना चाहिए, महिला दिवस भी आज मैम आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को, वो लग रहा है कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को, आप लोगों हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्लेटफॉर्म पे चाहना हम लोग बहुत उसमें आज वर्ल्ड वीमेंस डे आप सबको महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज हमारे सबको इसलिए ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आज सच में किसी ने हमको एक महिला बोल के दर्जा दिया और इसलिए हम सबके आभारी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।